सुपर फ्रैग निकाले कि एक्स पैक आ चुकी है, बट सारंग का वो नॉकआउट ये काफी तगड़ा था गेम जो। पाक की तरफ से कायलो ही नजर आ रहे हो, सारंग की तरफ से पोजिशनिंग थोड़ी सी देखने लायक है यहाँ से, क्योंकि अभी भी वो रिवाइवल उनको यहाँ पर उनके पास अच्छा खासा हील अप मिल तो जरूर जाएगा, लेकिन कितनी देर तरफ बात करें तो यहाँ पर अफू को भी डाउन किया जाएगा, काफी बेहतरीन एक कनेक्शन आता देखो, और हाइड्रा की स्क्वाड दस फुल सवारी दो फुल छह, बट ये मोल्टा अफू पर एक बहुत तगड़ा प्ले दिखाएगी, ये मोल्टा वो मजबूर करेगी। खिलाड़ी की एचपी देखिए जितनी कम है, एक ग्रेनेड काफी रहेगा यहाँ पर, सीधा एक नॉकआउट लेवल लीजिए, वही होता हुआ दिखा रिकॉर्ड की यूनिट रहेगी जरूर जो की कनेक्शन उड़ेगी। अब रेवन रीपर वो अकेले डीपीएस ने क्या आगे बढ़ा चाहते जरूर है, लेकिन अगर उन्होंने पीक किया तो ये ग्रेनेड काम खत्म करेगी, बच्चे देखिए इस ग्रेनेड से जरूर डैमेज स्टिल काफी ज्यादा इंट्रीट करा, पूरा ऊपर में बैठे कोई टीम आसपास इतनी है भी नहीं तंग करने के लिए, और वो ग्रेनेड आखिरी बनती दिखी स्प्रेगॉट के द्वारा खत्म रेवन भी, और इसका मतलब तविलास का भी सफर बाहर, सफर खत्म, लेकिन आप देखिए फिर से टॉप फोर तक गई, और कहना तो पड़ेगा मेंशन तो करना पड़ेगा, इनका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, रॉकी भी वहां पर बैठ रखे हैं, एक और खिलाड़ी उनके साथ ही, बट ये नॉकआउट काफी क्रूशियल था टीम अभी के लिए हाइड्रा ईस्पोर्ट्स, उसके लिए पहले सामने वाले बैठे टीम्स को भी उनको धराशायी करना पड़ेगा। जी मैं कार्निवल गेमिंग की यहाँ से बात करूं, हेक्टर को रोन दिया गया है, अंदाजा भी लग नहीं पाया और हेक्टर को नाम आने वाला है। जी हाँ, एग्री करूंगा, अगर चिकन है तो हाइड्रा का ही नाम उस पे रहेगा जरूर, ये कोशिश तो हाइड्रा भी कर रही है, बट देखिए वापस से असला मौजूद है, और असला है तो मसला बनेगा लॉबी के अंदर, वो दिक्कतें बढ़ाती दिखेंगी जरूर से, वो ग्रेनेड भी चल दिखेंगी, और एचपी काफी कम की है रॉकी की, एक और अगर अच्छी ग्रेनेड गई चीजें बहुत बिगड़ सकती है, वो ग्रेनेड चलती दिखी जरूर से है, डैमेज भी यहाँ पे इन्फ्लिक्ट होगा, पहाड़ी है और है असुर प्रेस भी चल रही है, दोनों ही टीम इनके से एक अकेले खिलाड़ी को खत्म करना चाहती है, उस आखिरी पर ढूंढना चाहती है, और चलिए जी रॉकी समापन आपको फाइनली उनका होता देखा, बट असला के पास वो फ्रैग जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अब एक 4v4 की प्रॉपर फाइट चलेगी, कार्निवल गेमिंग टॉप 3 तक तो आ गई यहां पे कम से कम। हां बिल्कुल, अब आएगा वो असली मजा, कार्निवल गेमिंग अगर थोड़ा सर्वाइव कर जाते तो शायद दोनों टीम के लिए ट्रबल बन सकती थी, ट्रबल मेकर वो बन सकते थे, बट सर्कल के अंदर जाना है टीम असला, ये सबसे बड़ा मसला है अभी आपके लिए, स्मोक्स क्रिएट करते रहिए, जैसे हम बात करें स्मोक्स क्रिएट करेंगे तो इल्यूजन पैदा होगा कि खिलाड़ी यहाँ स्मोक से भी आ सकते हैं, बट आप अपोजिट साइड से आने की कोशिश करें, क्या पता आप हाइड्रा स्पोर्ट्स को आप बाहर का रास्ता दिखा पाए, लेकिन पहाड़ी जी नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, आपको सर्कल के अंदर जाना है, फिलहाल बाहर रहकर उन्होंने जो अपनी गन पावर दिखाने की कोशिश करी थी उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा, उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई, और अब आत्मा भी देखने को मिलता नजर आएगा, बट अभी के लिए रियो जीवित है जरूर, तो हाइड्रा के लिए ट्रबल मेकर शायद रियो जरूर बन सकते हैं, बट साथ साथ एग्जिस्ट, लेकिन ये क्या एग्जिस्ट की बात करी, और एग्जिस्टेंस पे वो अभी हो गए सवाल, क्योंकि उन्होंने रॉन दिया उनको, और अभी भी रियो ट्राई कर रहे हैं कुछ और क्विट कनेक्शन बन जाते, शायद यहाँ पर नॉकआउट भी हो जरूर सकता था, लेकिन स्पर्श आएंगे सर्कल के बाहर की फाइट, और चिकन डिनर।